Good morning students, in this video we will learn revision class 12th from first chapter to third chapter or further fourth chapter. तो हमारा जो first जो chapter है वो है reproduction in organism. अब हम जो start कर रहे हैं वो revision chapters को start कर रहे हैं कि हमारे revisions बहुत fast हों ताकि हमें exam की preparation करने में ज़्यादा time न लगे. तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ये हमारा ये जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसका थोड़ा ओवरव्यू पूरा जो है प्लांट्स का एनिमल्स का मोनेरन्स का प्रोटिस्टा का फंजाई का इस वीडियो में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है ऑर्गेनिजम्स में. तो हमारा इसका जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लाइफ स्पान. लाइफ स्पान क्या है? लाइफ स्पान उसे कहते हैं कि बर्थ से लेकर टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. एक्सीडेंटल डेथ नहीं कहेंगे या खाली डेथ नहीं कहेंगे हम, ज़्यादा बेटर होगा जन्म से लेकर और जो नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या कहेंगे? लाइफ स्पान. टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, दिस इज कॉल्ड टाइम लाइफ स्पान. भाई लाइफ स्पान का मतलब होता है जीवन अवधि. जीवन अवधि एक स्पीसीज की हम रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल की. किसी हम इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनिज्म की हम यहाँ पर जीवन अवधि को लाइफ स्पान को शो नहीं कर रहे. जैसे अगर एग्जांपल लें तो एलिफेंट की जो लाइफ स्पान होती है लगभग 70 से 90 साल होती है. नेचुरल डेथ 70 से 90 साल तक वो एलिफेंट जीते हैं. रोज है 5 से 7 साल रोज की लाइफ स्पान होती है. डॉग है 16 to 18 ईयर्स इसकी लाइफ स्पान होती है. बटरफ्लाई है 1 से 2 वीक होती है. क्रो है इसकी जो लाइफ स्पान होती है वो 15 ईयर्स होती है. बनाना ट्री है इसकी लाइफ स्पान 25 ईयर्स होती है. काओ है 20 से 25 साल इसकी भी लाइफ स्पान होती है. पैरट है लगभग 140 साल जीता है. क्रोकोडाइल है 60 ईयर. हॉर्स है 30 to 40 ईयर्स. फ्रूट फ्लाई है 30 डेज और राइस प्लांट है 3 to 4 मंथ. टॉर्टॉइस 100 से 150 साल लगभग 150 साल ये टॉर्टॉइस जीता है. और बनाना ट्री बनियान ट्री जो बरगद का पेड़ है वो मोर देन 200 ईयर्स 200 साल से भी ज़्यादा जीता है. पीपल का पेड़ है 3000 से 4000 साल इसकी लाइफ स्पान मानी गई है. तो आपने यहाँ पर देखा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान डिफरेंट होती है. ऐसा नहीं कि जितने भी जीव आए वो सब 100 साल ही जिएंगे, ऐसा नहीं. कोई कम जिएगा तो कोई ज़्यादा जिएगा. तो डिफरेंट एनिमल्स की हम अपने इंसान की लाइफ स्पान मानते हैं वो 80 से 100 साल मानते हैं. 80 से 100 साल के बीच में नेचुरल डेथ हो जाती है. तो ये हमारी लाइफ स्पान थी. अब लाइफ स्पान में आपने एक बात देखी होगी कि एक आपने पैरट देखा जिसकी लाइफ स्पान 150 साल थी और आपने एक क्रो देखा जिसकी लाइफ स्पान 15 साल है. कौआ 15 साल जीता है और पैरट जो तोता है वो 150 साल जीता है. इसका क्या मतलब है भाई? दोनों का साइज एक जैसा है लेकिन लाइफ स्पान में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लाइफ स्पान में. तो इसका मतलब ये है कि लाइफ स्पान जो होती है वो साइज पे डिपेंड नहीं करती. क्रो और हमारे पैरट का लगभग सिमिलर साइज है बट लाइफ स्पान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि साइज इज नॉट डिपेंडेंट फॉर लाइफ स्पान. साइज कोई डिपेंड नहीं करता है. ये लाइफ स्पान हर एक इंडिविजुअल स्पीसीज की अलग अलग होती है. अब बात आते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि क्या कोई जीव अमर है? बायोलॉजिकली रूप से जो बाइनरी फिजन करते हैं जैसे हमारा बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये जो है अमर माना गया है बायोलॉजिकली रूप से. क्योंकि इनकी नेचुरल डेथ नहीं पाई जाती. एक्सीडेंटल डेथ है, आप उनको मार सकते हैं लेकिन नेचुरली वो कभी नहीं मरते हैं. क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म ये मान लीजिए अमीबा है, ये डिवाइड कर जाएगा दो बन जाएंगे अमीबा, दो छोटे छोटे अमीबी बन गए. फिर ये ग्रो करेंगे बड़े होंगे
फिर ये छोटे छोटे में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी नेचुरल डेथ है नहीं, बायोलॉजिकली रूप से दे आर इमोर्टल, वो अमर हैं। ठीक, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? रिप्रोडक्शन दोबारा प्रोडक्शन करना, यानी कि ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस टू न्यू ऑर्गेनिजम्स एज सिमिलर ओन सेल्फ। वो एक कोई ऑर्गेनिज्म जो कोई नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर रहा है, अपने जैसा कोई नया ऑर्गेनिज्म पैदा कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है दो तरह का होगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, मोस्टली सिंगल पेरेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली टू पेरेंट्स होते हैं। इसमें तो एक ही पेरेंट होता है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट नहीं बनते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट बनते हैं, गैमिट फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो बिल्कुल पहले जैसे का ही रूप होगा, यानी क्लोन बनते हैं। जो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए मैं कोई अपना बच्चा पैदा कर रहा हूँ, वो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे जैसा है, तो इसका मतलब है कि वो मेरा क्लोन है। क्लोन उसे कहते हैं जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स का बिल्कुल सिमिलर होता है, तो वो उसे क्लोन कहते हैं। तो क्लोन फॉर्मेशन इज फाउंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट बनते हैं। वेरिएशंस जो आते हैं वो किस में आएंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, और दोनों पेरेंट्स में अपनी अपनी खूबी होती है, और जब उनका बच्चा पैदा होता है तो दोनों के कैरेक्टर्स को होल्ड करता है, दोनों के कैरेक्टर्स उसमें पाए जाते हैं। तो वो बिल्कुल न अपने पेरेंट्स जैसा, वो न बिल्कुल एग्जैक्ट अपने फादर जैसा है। अगर कोई बच्चा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं एग्जैक्ट अपने पिताजी जैसा नहीं हूँ, मैं एग्जैक्ट अपने माताजी जैसा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास दोनों की प्रॉपर्टीज है, तो मुझ में कुछ डिफरेंसेस आए हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को जब वन जनरेशन से अगली जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में जो डिफरेंसेस होते हैं, उन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस। तो वेरिएशंस अगर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्लोन फॉर्मेशन हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन होगी और वेरिएशंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आएंगे। अब बात करते हैं कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में। जैसे आपने देखा होगा, अमीबा है, बाइनरी फिजन करता है, प्लाज्मोडियम है, मल्टीपल फिजन करता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया है, किसमें? पेनिसिलियम में पाया जा रहा है कोनिडिया। जू स्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसमें हो रहा है? क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो आपने ये चीज देखी होगी। और दूसरी वाली बात, ये हाइड्रा को ले लेंगे या फिर आप यीस्ट को ले लेंगे, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? बडिंग से हो रहा है, बड से निकलती है, तो उससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। जिम्यूल्स पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर हैं जिनसे किसी ऑर्गेनिज्म से छोटा स्ट्रक्चर निकला और वो टूट के नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जैसे हमारा जिम्यूल्स है, स्पंज में पाया जा रहा है, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं, एंड दे परफॉर्म टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कॉमनली उसे हम क्या कह देते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी प्लांट के किसी रूट, स्टेम और लीफ का कोई पार्ट मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होके, अलग होके वो नया प्लांट बना देता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे अलग अलग देखेंगे, रनर पाया जाता है, ग्रास में पाया जाता है, घास है यहाँ पे ये लग रही है घास। अब इसका एक स्टेम जाएगा यहाँ पे, दूसरी ये डेवलप कर देगा, इसका भी एक स्टेम जाएगा, दूसरी ये डेवलप कर देगा। तो ये जो रनर पाए जा रहे हैं वो किस में पाए जा रहे हैं? हमारे ग्रास में पाए जा रहे हैं। अब राइजोम जो पाया जा रहा है, आपने अदरक देखा होगा, अदरक से छोटी छोटी वो, जैसे ये अदरक है, ऐसे छोटी छोटी ऐसे ये निकलती रहती है, तो इनको हम क्या कहेंगे? राइजोम्स कहेंगे। राइजोम्स किसमें पाए जा रहे हैं? जिंजर में पाए जा रहे हैं। शकर, शकर किसमें पाया जा रहा है? मिंट में पाया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, ये कोई प्लांट है, ठीक। अब इसकी एक डाली लेंगे और यहां पर जमीन में
इसे काट देते हैं, यहाँ से रूट निकलने लगती हैं और ये फिर नया प्लांट बन जाता है और इसे यहाँ से काट देते हैं और वो नया प्लांट इंडिपेंडेंट फॉर्म में ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सकर्स के फॉर्म में मिंट में पाए जाते हैं। अब आपने देखा होगा आलू देखते हैं, आलू में बहुत छोटी छोटी टहनी सी डेवलप होने लगती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर किस में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, ऑफसेट वाटर हाइसेंथ में पाया जाता है। वह जलकुंभी आपने देखी हो, नदी तालाब में झील में मिल जाती है, पोखर में मिल जाती हैं। तो वो जलकुंभी जो होती हैं वाटर हाइसिंथ, उसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, तो उसमें किससे हो रहा है, ऑफसेट से हो रहा है। हम यहाँ पर एक बात और देखते हैं, वाटर हाइसिंथ को इंडिया में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, पहले इंडिया में नहीं पाया जाता था, तो अंग्रेजों ने इंडिया में सबसे पहले बंगाल में इसलिए लेके आए क्योंकि इसमें फ्लावर बहुत अच्छा लगता था और पत्तियां का साइज भी गोल गोल सा बड़ा सुंदर सा था। तो किसी पॉन्ड में इसको लगा दिया कि भाई ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन क्या किया, इसकी रूट्स ने नीचे से वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको सक कर लिया, वही उसको एब्जॉर्व कर रही, क्यों, रूट रेस्पिरेशन करती है और रेस्पिरेशन करने में ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है रेस्पिरेशन करने में। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस तो लीफ करेंगी, चलो वहां पे तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है और ऑक्सीजन रिलीज की जा रही है, तो वो तो एटमॉस्फेयर में है, लेकिन रूट इसकी किस में पाई जा रही है, पानी में पाई जा रही है। तो पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है उसको इसने यूज कर लिया, उसको किसने यूज कर लिया, वाटर हाइसिंथ की रूट्स ने यूज कर लिया। अब वहां पर पानी की कमी होने लगेगी, जब वहां पर पानी की कमी होने लगेगी तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो कछुआ रहता है, मेंढक रहता है, मछलियां रहती हैं पानी में, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगती है और वो मरने लगती हैं। तो इसको वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। तो वाटर हाइसिंथ में किससे वो हो रहा है, ऑफसेट से हो रहा है। अब आती है बल्ब, बल्ब में ओनियन देख लेना या फिर आप गार्लिक देख लेना, ओनियन प्याज, गार्लिक का मतलब लहसुन, लहसुन में छोटी छोटी बड़ सी निकलती हैं अंदर से ही एक, तो उसे हम क्या कहेंगे, बल्ब। तो रिप्रोडक्शन जो गार्लिक में या फिर ओनियन में हो रहा है वो किससे हो रहा है, बल्ब से हो रहा है। तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर थे जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फॉर्म में थे, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसे कहते हैं व्हेन एनी पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम रूट, फ्रॉम स्टेम, फ्रॉम लीव्स विच डेवलप्स टू न्यू प्लांट्स एंड डिटैच टू मेन प्लांट बॉडी, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड इट इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रूपांतरण है ये। ठीक, अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखते हैं तो मेन चीज क्या बनती है, गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर मेल है तो उसमें स्पर्म बनेगा यानी मेल गैमीट बनेगा, फीमेल है तो फीमेल गैमीट बनेगा, दोनों में आपस में फ्यूजन होता है, फिर जायगोट बनता है, वो जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो के समय नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे ह्यूमन है, डॉग है, टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, बहुत सारे प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यूनिट है, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर, इन प्लांट, फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। तो अब यहाँ पर लाइफ स्पान के बारे में एक बात और देखें, कि लाइफ स्पान जो पाई जा रही है उसकी कुछ फेज होती हैं, लाइफ स्पान की कुछ फेज होती हैं। जैसे पहली वाली जो फेज आती है वो जुवेनाइल फेज होती है, वेजिटेटिव फेज होती है, ये रिप्रोडक्टिव फेज से पहले की फेज है। सबसे पहले जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज। अब उसके बाद क्या आती है, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जिसमें रिप्रोडक्शन के एबल हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। पहली वाली क्या है, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज जो है इमेच्योर फेज होती है, इमेच्योर
यानी कि जिसमें आदमी या फिर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के एबल नहीं हो पाता। रिप्रोडक्शन से पहले वाली जो फेज होती है उसे हम एनिमल्स में तो जुवेनाइल फेज कहते हैं और प्लांट्स में हम क्या कह रहे हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी वाली बात आती है कि हमारी रिप्रोडक्टिव फेज है। रिप्रोडक्टिव फेज में इसमें मैच्योरिटी फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिवली इंसान या फिर कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है। फिर उसके बाद जो आती है वो सेनेसेंट फेज आती है, बुढ़ापा की स्थिति सेनेसेंट फेज आती है। तो सेनेसेंट फेज, तो ये जो है ये रिप्रोडक्टिव फेज के बाद की फेज है। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, सेनेसेंट फेज। तो मोस्टली थ्री फेजेज पाई जाती हैं, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, इमेच्योर फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज, मैच्योर फेज है। सेनेसेंट फेज जो होती है आफ्टर, जिसमें क्या है कि बॉडी की जो वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, क्षरण स्टार्ट हो जाता है, बॉडी की काम करने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेनेसेंट फेज कहते हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पर प्लांट्स की बात करते हैं थोड़ा सा। प्लांट्स में अगर रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहे हैं तो दो तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, दो तरह के प्लांट्स पाए जा रहे हैं, एनुअल प्लांट, एक तो एनुअल प्लांट्स पाए जा रहे हैं। एनुअल प्लांट्स का मतलब होता है जो अपनी लाइफ साइकिल को एक साल में कंप्लीट कर लेते हैं। दोज प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन ए ईयर, जैसे हमारा एक साल में, एक साल का मतलब है कि जैसे गेहूं है, एक साल के अंदर अंदर कर लेते हैं, चाहे चार महीने में करें, चाहे पांच महीने में करें, चाहे बारह महीने में करें। जैसे वीट है, गेहूं है, राइस है, पटेटो है, दीज आर एनुअल प्लांट। तो ये एनुअल प्लांट हो गए। अब बाय एनुअल प्लांट होते हैं, बाय एनुअल प्लांट्स। बाय एनुअल प्लांट्स का क्या मतलब है कि दोज प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन टू ईयर्स, दो साल में अगर वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बाय एनुअल प्लांट्स। ठीक, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, शुगर केन है, दो साल में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, तो ये जो है बाय एनुअल प्लांट हो गया। तो लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, और एक होता है पेरेनियल प्लांट्स। पेरेनियल प्लांट्स उसे कहते हैं जो अपनी लाइफ को कई साल में कंप्लीट करता है, जैसे नीम है, बबूल है। तो ये कौन से प्लांट्स होंगे, पेरेनियल प्लांट्स। ये पेरेनियल प्लांट्स हैं, वन ईयर में लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, टू ईयर में कंप्लीट कर रहे हैं, और मैनी ईयर्स का मतलब मोर देन टू ईयर्स, ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरेनियल प्लांट्स। तो दीज आर द थ्री प्लांट्स अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन देयर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग तीन तरह के ये प्लांट्स होते हैं। अब बात आती है ये कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हर सीजन में अपने फ्लावर देते हैं, हर सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 12 साल में अपना एक बार फ्लावर देगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 12 साल में देगा, जैसे स्ट्रोबेलेंथस कुंथियाना, नीला कोरंजी जिसको कहते हैं। तो ये फ्लावर की बात आती है, कुछ 12 साल में देते। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जीवन में, लाइफ में केवल एक ही बार अपने फ्लावर को प्रोड्यूस करता है और उसके बाद डेथ हो जाती है। 50 से 100 साल के बीच में अपना फ्लावर देता है, जैसे हमारा बंबू है, बहुत सारे फ्लावर्स निकलते हैं और लाइफ में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हर सीजन में अपना सीजनेबल होते हैं, जैसे मैंगो है, हर साल सीजन जैसे ही आएगा उसका अपना फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ प्लांट्स अलग अलग तरह के हमारे यहाँ पर होते हैं, उनके फ्लावर्स के बेसिस पे कि कौन कितने दिन में अपना फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं जो अपना फ्लावरिंग का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। अब बात आती है ऑस्ट्रस साइकिल की और मेस्ट्रल साइकिल की, एनिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रस साइकिल उसे कहते हैं जिनमें, जिनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक सीजनेबल ब्रीडर्स होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ही वो रिप्रोडक्शन करने के एबल होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्ट्रस एनिमल्स। और इस तरह की उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल। जैसे काव है,
बफेलो है, गोट है, सीप है, हॉर्स है, ये ऑस्ट्रस साइकिल में ऑस्ट्रस एनिमल्स होते हैं, और कुछ प्राइमेट्स जिनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल मंथली होती है। मंथली का मतलब है कि 28 और 29 डेज में वो अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। प्राइमेट एनिमल्स में जैसे मंकी, एप और ह्यूमन बींग्स, इनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो चलती है, साइक्लिकल चेंजेस जो आते हैं इनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको हम क्या कहेंगे, मेस्ट्रल साइकिल कहते हैं। तो मेस्ट्रल साइकिल लगभग 28 टू 29 डेज में एक बार कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह के एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, मेस्ट्रल एनिमल्स कहेंगे। अब ऐसे भी वो होते हैं ब्रीडर्स जो सीजन में ब्रीडर्स करते हैं, सीजनेबल ब्रीडर्स कहते हैं, और ऐसे ब्रीडर होते हैं जो किसी भी सीजन में अपनी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। ऐसे ब्रीडर्स जो पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं, सीजनल ब्रीडर्स, जैसे डॉग है, और ऐसे ब्रीडर्स जो किसी भी सीजन में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन है तो किसी भी सीजन में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही कर लेते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।